शारदीय देव दीपावली है वाराणसी की, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। और शिव भगवान की नगरी पर खुद ही अनेकों देव उतरते हैं, और इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है वो आप सब जानते हैं। हमारे पूरे करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आज अलग अलग जगहों पर पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पर भी लाखों लोग वाराणसी में देव दीपावली का आनंद लेने के लिए आए हैं। यहाँ जो इस बार दीप जो है दीपदान होगा, और जिस तरह से आरती होती है गंगा जी की अभूतपूर्व होती है, और हमारे मुख्यमंत्री जी पधारने वाले हैं, आज आतिशबाजी भी होगी, लेज़र शो भी पहली बार यहाँ पर किया जाएगा, राज्यपाल महोदय भी आ रहे हैं, वो भी पूरे घाटों का बोर्ड से एक बारी निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, आनंद लेंगे। तो आनंद का माहौल है, श्रद्धा और आनंद दोनों एक साथ। मैडम, पहली बार शासन ये पहल कर रही है, इससे पहले कोई भी शासन इस तरह का माहौल नहीं बनाया था देव दीपावली को लेकर के? नहीं, तो आपने देखा जिस तरह से अयोध्या में आपने देखा कि हम लोगों ने दीपोत्सव मनाया, तो यहाँ की जब देव दीपावली देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो इसलिए हमारा ये एक कर्तव्य बनता है सरकार का, पर्यटन विभाग का, कि हम अपना जो योगदान दे सकते हैं वो दें। तो हम लोगों की सुविधा के लिए विशेषकर इसकी भव्यता को स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैडम, जिस तरह से अयोध्या में दीपावली मनाई गई, अब देव दीपावली मनाई जा रही है, तो क्या लग रहा है? देव दीपावली तो 25 वर्षों से मन रही है, वहाँ तो सरकार इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो क्या लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन जाएगा आप लोगों के द्वारा? देखिए, हर बात का अपना अलग महत्व है। देव दीपावली का महत्व पूरी तरह से पौराणिक काल से है, और जिस तरह से इसको लोगों की श्रद्धा है वैसी अयोध्या में भी श्रद्धा है।